हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्वर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस मींस केंद्रक। जैसा कि हमें मालूम है, हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। और इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गॉल्जी अपरेटस या गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। और उन सेल्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। सो मेनली जो है आज हम किसके बारे में जानेंगे? न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, जो कि कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर। और राइबोसोम भी होते हैं, गॉल्जी बॉडी भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ठीक है, तो आज हम किस सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे? न्यूक्लियस, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस को जो है डायरेक्टर, कंट्रोलर और ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर, कंट्रोलर और ब्रेन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। क्या करता है न्यूक्लियस? यह जो है कंट्रोल करता है हेरिडिटी, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी क्या होती है? यह जो है करैक्टर होते हैं और इन्फॉर्मेशंस होती है जो पेरेंट्स से किसमें जाती है? ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। हेरिडिटी का क्या मतलब है? अनुवांशिकता, मींस ऐसे गुणधर्म या ऐसे करैक्टर जो हमारे माता पिता से हम में आते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है ग्रोथ में भी हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म में भी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें जो है फूड को न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी में, ठीक है। और यह एनर्जी यूज कर ली जाती है हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा। बॉडी सेल्स जो है इस एनर्जी को यूज करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है? बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन या रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, या एक्सक्रीशन हो गया। इन सभी प्रोसेसेस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमने अगर खेलना है, दौड़ना है, लिखना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को जो है डायरेक्टर, कंट्रोलर, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह कंट्रोल करता है हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हेरिडिटी क्या होती है? ऐसे अनुवांशिक गुणधर्म जो हमारे पूर्वजों या माता पिता से हम में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो
न्यूक्लियस जो था सबसे पहला ऐसा सेल ऑर्गेनिल था जिसे कि डिस्कवर किया गया था, और यह जो है सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनिल है। सो डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रॉन इन 1831। ठीक है, सेल को जो है किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्रॉन ने 1831 में। उन्होंने जो है ऑर्किड फ्लावर के आउटर लेयर में जो है कुछ एक स्ट्रक्चर देखे, ओपेक एरियाज देखे, इन एरियाज को उसने क्या बोला, इन एरियाज को उसने बोला एरियोला, और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्रॉन ने की थी 1831 में, और उसने जो है ऑर्किड के फ्लावर लिए थे, ऑर्किड के फ्लावर की आउटर लेयर में जो है उसने न्यूक्लियस को देखा। फिर बाद में क्या हुआ, लेटर एक साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस का मटेरियल था, ठीक है, जो न्यूक्लियस का मटेरियल था उसको उन्होंने स्टेन्ड किया विद बेसिक डाइज। ठीक है, बाद में जो है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम फ्लेमिंग है, उन्होंने न्यूक्लियस मटेरियल लिया और उस मटेरियल को उन्होंने बेसिक डाइज के साथ स्टेन्ड किया। फिर उन्होंने न्यूक्लियस को नाम दिया क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन नाम न्यूक्लियस को किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियन। न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है, कैरियन है, और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है। देखो, जो एनिमल सेल होती है और जो प्लांट सेल होती है, उनमें न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, एनिमल सेल में सेंटर में, और प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस जो है साइड में पाया जाता है, मतलब पेरिफेरी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, बिकॉज स्मॉलर वैक्यूल, एंड प्लांट सेल में पेरिफेरी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लार्जर वैक्यूल। ठीक है, एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस साइड में पाया जाता है, मींस पेरिफेरी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है, और प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सो यूकैरियोटिक सेल्स हैव
प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स कैसी सेल्स होती है? जो मल्टीपल सेल्स से मिलकर बनी होती है, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, प्रोटिस्टा हो गया या फंजाई हो गया। यूकैरियोटिक सेल में जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, मींस इनमें जो है न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल टू न्यूक्लियस इज अब्सेंट, इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती है? जो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस की जगह इनमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बाहर ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती, मीन्स इनका जो मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे कि न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं, और कैरियोथिका भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे कि हम एनवलप और कैरियोथिका भी कहते हैं। दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर आपको कवरिंग दिख रही है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियर रेटिकुलम। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उलझा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, इसको जो है न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर लिम्फ। ठीक है, ये जो आपको न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसको न्यूक्लियर सैक और न्यूक्लियर लिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। फोर्थ पार्ट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस को जो है लिटल न्यूक्लियस भी कहा जाता है, और यह क्या है? राइबोसोम फैक्ट्री है। जो आपको राउंडेड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको जो है लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इसको जो है राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम की सिंथेसिस होती है।
और जिस तरह से सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सो दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इन सभी स्ट्रक्चर्स को जो है हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। अब जो है हम न्यूक्लियस के फर्स्ट पार्ट दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप और जिसे कि हम कैरियोथिका भी कहते हैं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर्ड है। न्यूक्लियस के अंदर कैसी मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन। यह जो है अंदर की साइड है इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन और जो बाहर की साइड दिख रही है उसे कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इस तरह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बना होता है कुछ इस तरह से। इनमें जो है हेड और टेल पोर्शन होता है। यह क्या हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन और यह क्या हो गई इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच आपको एक स्पेस दिख रहा होगा उसे क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, यह जो है टू फॉस्फोलिपिड लेयर है और आउटर लेयर के बाहर की साइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है उसके अंदर की साइड क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड साइटोप्लाज्म है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट होते हैं और जो न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपोनेंट होते हैं जैसे कि क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स को अलग अलग करती है, मीन्स सेपरेट करती है। जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं बेटा, राइबोसोम्स लगे होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे हैं, राइबोसोम्स लगे हैं और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। इसके आउटर साइड साइटोप्लाज्म होता है, इनर साइड क्या होता है इसके, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपोनेंट्स को जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग करती है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल क्यों होती है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर होते हैं,
एक पॉइंट पे जो है इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है फ्यूज कर जाती है और क्या बनाती है, न्यूक्लियर पोर बनाती है। ठीक है, इन न्यूक्लियर पोर के जरिए जो है क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और कैसी मॉलिक्यूल्स का, ओनली सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ओनली ट्रांसपोर्ट और सिलेक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल टेक प्लेस थ्रू न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर एनवलप। सो न्यूक्लियर एनवलप इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से गैप्स जहां पर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई है, वहां पे बनता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जगह जगह पे आपको जो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे, दीज वन। सो न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, दीज आर प्रोटीन चैनल और कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पोर है ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ एक मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, और वह मॉलिक्यूल न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आते हैं न्यूक्लियर पोर के जरिए। और कुछ एक मॉलिक्यूल की जरूरत जो है न्यूक्लियस के अंदर भी होती है, तो वह मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं, साइटोप्लाज्म से आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रू दीज पोर्स। न्यूक्लियर पोर क्या करती है, न्यूक्लियर पोर आल्सो अलाउ द एंजाइम्स फॉर डीएनए आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। क्या होता है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होती है, और इनके सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और यह एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म से जो है न्यूक्लियस के अंदर आते हैं इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। और एमआरएनए एंड टीआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, यह जो है ट्रांसफर होते हैं मूव्स टू साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है टीआरएनए और एमआरएनए ट्रांसफर होते हैं न्यूक्लियस से इन्हीं न्यूक्लियर पोर के जरिए। सो न्यूक्लियर पोर क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ न्यूक्लियर लैमिना। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसकी कंटिन्यूस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। इस तरह से इनर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। दिस वन न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, तो न्यूक्लियर लैमिना क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट
प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियर लेमिना, जो कि इनर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूस एक स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, सेकेंड कंपोनेंट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे कि हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं और कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर आपको जेलेटिनस सा फ्लूइड नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म इज जेलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। दिस वन, ये जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है छोटे छोटे डॉट्स मैंने शो किया है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म के सिमिलर होता है। सो न्यूक्लियो प्लाज्म इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म एंड इज कंपोज्ड ऑफ, बना होता है किससे? वाटर से, डिजॉल्व साल्ट से मिलकर, एंजाइम्स से मिलकर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेलेटिनस सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसे न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। यह जो है किस चीज से मिलकर बना होता है? वाटर, डिजॉल्व साल्ट्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये सिमिलर टू साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटेक्ट न्यूक्लियस कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस के कंपोनेंट जैसे कि क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, इन सबको जो है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटेक्ट करता है और सराउंड करता है, ठीक है। और इन सबको क्या कर रहे हैं यार? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है सराउंड कर रहा है। एडिशनली न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज डीएनए आरएनए ट्रांसपोर्ट थ्रूआउट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रांसपोर्ट को थ्रूआउट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। थर्ड कंपोनेंट इज क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो आपको थ्रेड लाइक उलझा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन इज अ वंच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि क्रोमेटिन कहते हैं. क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और यह जो है कंडेंस करके क्या स्ट्रक्चर बनाता है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ इस तरह से. जब यह कंडेंस करता जाता है तो इस तरह से अरेंज हो जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं. इस तरह का स्ट्रक्चर जो है क्रोमेटिन कंडेंस होकर बनाता है. नेक्स्ट इज क्रोमोसोम क्या करता है? कंटेन करता है इंफॉर्मेशन. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशंस होती है डीएनए के रूप में जो कि माता पिता से बच्चों में जाती है. ठीक है, इसलिए जो है 50% डीएनए जो है एक माता का बच्चे में आता है और 50% डीएनए जो है पिता का बच्चे में आता है. ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होगी, इंफॉर्मेशंस होगी, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, ऐसे अनुवांशिक गुण जो हमारे माता पिता से हम में आते हैं या पेरेंट सेल से जो है डॉटर सेल में आते हैं. Now, next one is nucleolus. Fourth part of nucleus is nucleolus. ये जो आप स्टेबल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राउंडेड सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है. सो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस contain large spherical dense stable structure which is called as nucleolus. ठीक है, ये जो आप स्टेबल सा डेंस सा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है. आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलस जो है किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है. सो न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, और यह जो है रिच होता है, रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि न्यूक्लियोलस जो है क्या करता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, इसलिए यह क्या हुआ, रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन. न्यूक्लियोलस को जो है क्या कहते हैं, कॉल्ड एज राइबोसोम फैक्ट्री. ठीक है, इसमें जो है राइबोसोम बनते हैं, सो इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं. और यह जो है आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन भी करता है. ठीक है, सो दैट्स अबाउट न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है, एक लार्ज स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. यह क्या करता है, यह जो है मेम्ब्रेन लेस
ऑर्गेनिल है और यह रिच होते हैं आरएनए और प्रोटीन में। इसको जो है राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल एंड प्रेजेंट इन All cells except that of sieve cells of vascular plants and mature RBC. Nucleus जो है largest cell organelles है और यह जो है हर सेल में पाया जाता है। सिर्फ जो सीव सेल्स होते हैं और मैच्योर आरबीसी होते हैं उनमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मेमेरियन आरबीसी में जो है अर्ली स्टेज में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं तब न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है। इसलिए जो है मैच्योर आरबीसी में जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, जबकि अर्ली स्टेजेस में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस रोल सेंटर मींस न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज को। सेलुलर एक्टिविटी जैसे कि ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कोई भी प्रोसेस होनी है सेल के अंदर उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेकंड फंक्शन इज न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस। थर्ड फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारी माता पिता से जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर हम में आते हैं, अनुवांशिक गुण हम में आते हैं, या पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जितने भी करेक्टर आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, फोर्थ फंक्शन इज इट प्लेस की रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। फिफ्थ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस help in enzyme synthesis, control cell division and cell growth and store DNA, RNA and ribosome. So these are the functions of nucleus. First function is control center. Nucleus जो है control center होता है cell का, क्योंकि यह जो है cell की सभी activity, cellular activities को control करता है. Second function is यह जो है protein की synthesis भी करता है और transmission करता है genetic information का, heredity material को जो है store करके रखता है in the form of DNA. यह जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन में, मीन्स सेल को डिवाइड होने में जो है ये हेल्प करता है, और यह जो है एंजाइम की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और सेल ग्रोथ और डिवीजन भी करता है, डीएनए आरएनए को जो है स्टोर करके रखता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस।